What, Chumka? You guys know I love wearing साड़ी और इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है साड़ियाँ, तो मैं क्यों ना खरीदती? क्या फायदा साड़ी लवर होने का जब साड़ी के ट्रेंडिंग होने पे तुम साड़ियाँ नहीं खरीद रहे। तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया है, एक नहीं काफी ज्यादा ऑर्डर कर दिया है। ये वीडियो मेरे लिए टफ होने वाली है क्योंकि साड़ी पहनना इतना इजी नहीं है। तो जितनी भी आलिया भट्ट की साड़ी दिखाई दी ना मैंने सब पे, इन सभी को मैंने मिंत्रा से खरीदा है क्योंकि मिंत्रा पे जो क्वालिटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। देखते हैं कि मुझे कौन कौन सी साड़ियाँ सबसे ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आलिया पे जो अच्छा लग रहा है वो हम पे भी अच्छा लगे। हम आलिया नहीं है, हम है आलिया, आलिया है। So let's start this haul guys. Are you guys excited? मैं तो बहुत ज्यादा excited हूँ। तो चलो गाइज, वो है ये साड़ी, आई मीन लुक एट दिस साड़ी। सिर्फ बॉलीवुड ही आपको ऐसे कलर पहना सकता है। अगर आप खुद से ऐसे कलर खरीदोगे आप कहोगे ये मैच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आलिया इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, आई थिंक उन्होंने हम क्या मिले तुम क्या मिले में साड़ी पहनी, और ये साड़ी उन्होंने एक्चुअल मतलब इस प्रिंट की साड़ी उन्होंने एक्चुअल में पहनी है, ये तो नहीं पहनी होगी। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं कभी भी येल्लो और ब्लू एक साथ नहीं मंगाऊंगी किसी भी साड़ी में, लेकिन बॉलीवुड हमसे बहुत कुछ चीजें करा देता है। तो ब्लू येल्लो और रेड प्लस ऑरेंज मिक्स समथिंग कलर, ये तीन कलर है वो भी बहुत वियर्ड से, और आलिया साड़ी को पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने जैसे ही देखी मैंने कहा बनती है यार, बॉलीवुड हमेशा हमें जॉर्जेट साड़ी से प्यार कराना सिखा देता है, और ये साड़ी का मटेरियल भी आपको जॉर्जेट में मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रही मैं इस साड़ी को किस ब्लाउज के ऊपर पहन, ये ब्लाउज है यार साड़ी का, और मैं बोल रही हूँ कि थ्री कलर की साड़ी। तो ये साड़ी अभी तक मैंने यार सिलाई नहीं है क्योंकि जस्ट मुझे रिसीव्ड हुई है और मैं हॉल करने लग गई। तो इसका ब्लाउज आपको मिलेगा इस कलर का, और साड़ी है एक्चुअल में ब्लू और येल्लो, लाइक ब्लू और येल्लो कलर का कॉम्बिनेशन। क्या आप पर्सनली प्रिफर करोगे? ओके, मेरे पास यही ब्लाउज था यार, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लाउज अभी है नहीं। मैंने अभी फोटोग्राफ देखी, डिट्टो वैसी है जैसी आलिया ने पहनी है। एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो है कि आलिया ने जो ब्लाउज पहना है वो रेड कलर का है, और इसका ब्लाउज थोड़ा गाजरी गाजरी सा है। बट आई रियली लव दिस साड़ी यार, मतलब ऐसे ही करती रहूंगी मैं इस साड़ी को पहनने के बाद। मैं पूरा बॉलीवुड मूवमेंट इंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक ये साड़ी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। इस साड़ी का प्राइस वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन अभी मिंत्रा पे सेल चल रही है जिसपे आपको अप टू 50 से लेके 80% तक काफी चीजों पे ऑफ मिल जाएगा। और सेल में मेरे को ये साड़ी पड़ी है 984 रुपीज की, आई मीन 984 में दिस साड़ी इज bomb.com। एक्चुअली मैं साड़ी दिखाती हूँ फिर आपसे पूछूंगी कि कौन सी वाली आपको ज्यादा अच्छी लगे। इन साड़ियों में सच में कुछ है नहीं, प्लेन और सिंपल सी है, बट कलर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट साड़ी चेक करते हैं, क्योंकि तो पैकेजिंग काफी अच्छे से पैक करके मुझे मिली है, और इनको मैं अभी ऐसी हिला दूंगी सारे में। यार ये साड़ी ऐसी है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। अब इसको शायद मूवी में नहीं पहना है, उन्होंने प्रमोशन के टाइम पे पहना है, और ये साड़ी मैंने देखी थी, मैंने कहा यार इसको तो मैं रखने वाली हूँ क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत सारे कलर है एक साड़ी में, कितने कलर एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें तो दो थे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 8 शेड है इस साड़ी में, नहीं 8 या 9 शेड है, क्योंकि हर टाइम जाते जाते अलग ही शेड हो रही है। जैसे मेरे ऊपर कैसी लगती है, ब्लाउज का दिक्कत हो सकती है बट हम एडजस्ट कर लेंगे। ऑल्दो इसकी क्वालिटी भी सेम इसके जैसी ही है, इसका प्राइस भी है 984 रुपीज, इसका एक्चुअल प्राइस भी थोड़ा अलग है, बट सेल चल रही है तो मुझे मिली है 984 में। मैं अपना आलिया मोमेंट एंजॉय करती हूँ, और अगर आपको भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। लेट्स ट्राई दिस साड़ी, आई मीन लुक एट दिस साड़ी, सो प्रिटी। हमेशा जब भी मैं ये पार्ट शूट करती हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कभी मैं माइक पहनना भूल जा रही हूँ, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। एनीवे, मुझे ये साड़ी काफी ज्यादा पसंद आई। एक तो इसमें इतने सारे कलर है, पेस्टली कलर सब एक दूसरे के साथ काफी सही से जा रहे हैं, और ये भी मैंने अपने बिकनी टॉप पे पहना है। इस मेरे पास ब्लाउज नहीं है, बिकनी टॉप पे परफेक्ट लग रहा है। इस साड़ी में आपको जो ब्लाउज है वो ब्लू कलर का मिलेगा, तो ब्लाउज आपको फुल लेंथ का मिलेगा, बस साइज कुछ भी आपको इजिली ब्लाउज बनवा सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी अगर आप वेलवेट का ब्लाउज पहनो। तुम क्या मिले में है ये, उन्होंने पहनी है ये साड़ी, और आई थिंक एक प्रमोशन में भी पहनी है ये साड़ी। मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, उनकी सभी साड़ियां तो आइकॉनिक चल ही रही है, बट ये वाली पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि लाइक इसके कलर्स देख लो कितने प्यारे हैं, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। और ये साड़ियां ऐसी हैं कि इनमें आप अपना बॉलीवुड मूवमेंट कंप्लीट कर सकते हो, बहुत लंबी लंबी साड़ियां हैं। एक्चुअल में जैसे आपने देखी है ना आलिया साड़ी पहन रहे हैं, बहुत लंबा लंबा उनका पल्लू है, ये साड़ी भी सेम वैसे है, बहुत लंबा पल्लू जाएगा। तो अगर आपको वो पसंद है, वो झाड़ू लगाते हुए चल रहा, तो पहन सकते हो। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है जब पल्लू नीचे लटकते हैं, बस हाँ किसी का पैर ना रखा जाए उस पर, नहीं तो यू नो कितना गुस्सा आता है। नेक्स्ट है ये तो आइकॉनिक साड़ी है, आई मीन ये साड़ी आपने हर इन्फ्लुएंसर को देखा होगा बनाते हुए देखा होगा, क्योंकि तब तक ये इतना आई नहीं थी। साड़ी है वट झुमका साड़ी, जो मैंने इसको नाम रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने उसी गाने में पहनी हुई है। कोई सोच सकता है कि ये जो चार कलर है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी इतने अच्छे लग सकते हैं, ये सिर्फ बॉलीवुड सिखा सकता है। पहनने के बाद ये अच्छी लगेगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आलिया इस साड़ी में ऑलरेडी रॉक कर रही है।
लेकिन ये जो साड़ी है ना आलिया की, जो ओरिजिनल साड़ी है उसमें लेस वगैरह है इसमें नहीं है। एनीवे ये वैसे भी ड्यूप है, वो होगी 1-1.5 लाख की साड़ी, और ये है जस्ट 984 रुपीज में। आई मीन 984 में क्या ही लोगे। इसका ब्लाउज है फुल साइज का मिल जाएगा, अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो कोई वेलवेट का ब्लाउज रखो, मतलब इन तीन या चार कलर में से, इन चार कलर में से कोई भी वेलवेट का एक ब्लाउज रख लो, या जैसा आलिया का ब्लाउज है मल्टी कलर सा वैसे आप ब्लाउज रख सकते हो। आप पिंक कलर का एक वेलवेट का ब्लाउज कर लोगे ना वो सभी साड़ियों पे चला जाएगा। इसमें अपना बिकनी टॉप पहन के आई हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लाउज नहीं है। ऑब्वियसली साड़ी तो सभी को पता है, सभी को पसंद आई होगी क्योंकि ये आइकॉनिक साड़ी है एंड पहनना बहुत इजी है। द गुड थिंग ये जो साड़ी है, अगर आपको साड़ी पहनना आता हो ना आता हो, आप साड़ी लवर हो ना हो, आप तो आलिया वाला मोमेंट एंजॉय करना है, तो आप ये साड़ी बहुत इजीली ड्रेप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत हल्की फुल्की सी साड़ी है, कोई हैवी नहीं है, ड्रेप करना भी इजी है। आप बॉलीवुड मूवमेंट तो एंजॉय कर ही सकते हो क्योंकि ये सारी साड़ियां लंबी है, जैसा आप एक्चुअल में देख रहे हो ना गानों में ऐसे लहरा सकते हो, आप एक्चुअल में इन साड़ियों को लहरा सकते हो क्योंकि ये इतनी लंबी लंबी सी साड़ियां हैं। लंबी नहीं, इनका पता नहीं, मुझे 5 मीटर की यूजली साड़ी होती है, मुझे नहीं पता है कितने मीटर की है, बट हाँ मैं जितनी भी पहन रही हूँ मेरा पल्लू देखो जा ही रहा है। आपको थोड़ा सेटअप बार बार चेंज दिख रहा होगा क्योंकि बीच बीच में मुझे हटाना पड़ रहा है अपना फोन, बाकी चीजें रिकॉर्ड करनी है और मेरा पल्लू मुझे परेशान कर रहा है। साड़ी की कॉस्ट भी है 984 रुपीज, तो 984 में ये साड़ी एकदम परफेक्ट है। इस हॉल के बाद मेरे पास 10 साड़ियां हो जाएंगी, मैं अपनी माँ को दे दूंगी इनमें से एक साड़ी, जो मम्मी का है वो मेरा है, मैं बोल देती हूँ मम्मी को दे दूंगी, फिर कहती हूँ मम्मी मुझे साड़ी पहनने कहाँ रखे वो। जितनी ये साड़ी हाइप्ड है उतनी ये साड़ी ना अंडररेटेड है, साड़ी को कोई दिखाता ही नहीं है। ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ये उन्होंने तुम क्या मिले मैं गाना भूल जाती हूँ हमेशा उसमें पहनी हुई है, और आई रियली लव द कलर। आई मीन मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे पेस्टली कलर्स हैं। ये है इसका ब्लाउज जो कि आपको येलो कलर में मिलेगा, ये और ब्लू वाली तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि बहुत लाइक पेस्टली सी है। अगर आपको ऐसे पॉपी कलर्स नहीं पसंद है तो आप ये पेस्टली साड़ीज पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर चीज का ध्यान रखा है उन्होंने, आई गेस सारी ऐसी साड़ी पहनी है जो एवरग्रीन है, लाइक सब भूल गए थे प्लेन सिर्फ पिंक कलर की साड़ी, प्लेन सिर्फ ग्रीन कलर की साड़ी, जो कलर सब भूल चुके थे वो कलर वापस ट्रेंड में लेके आ गई है। सो एनीवे मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो अब हम अपना हम क्या मिले तुम क्या मिले मोमेंट एंजॉय करते हैं। सॉरी मैं गाने का नाम भूल चुकी हूँ। ओके, इस साड़ी को मैंने फिर अपने एक और बिकनी ब्लाउज पे पहना है क्योंकि मेरे पास अभी यही था, एंड आई डोंट नो ये साड़ी इतनी अंडररेटेड क्यों है, ये गिरे जा रहा है, सॉरी। इट इज सो प्रिटी यार, एक तो इसका पल्लू इतना लंबा जा रहा है ना, इसका उसको सबसे लंबा पल्लू जा रहा है, और मुझे इसी तरह की साड़ियां पसंद है। जो अब तक मैंने जितनी भी ये साड़ियां पहनी है सबसे ज्यादा पसंद है, आप कह सकते हो ये मेरी बाय फार द फेवरेट वन है, वो सब भी अच्छी है लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक होता है ना आप पहनने के बाद आपको लगता है ये मेरे लिए बना है, तो ये वही साड़ी है जो मैं कहूंगी ये मेरे लिए बनी है। आई एम एंजॉइंग माई बॉलीवुड मूवमेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस ये मेरी अर्ज थी। आपको भी ये साड़ी मेरी तरह पसंद है और सोचते हो कि ये बहुत अंडर रेटेड गई है बाकी सभी साड़ियों से, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और साड़ी बाकी है। Hey, क्या ये आलिया ने पहनी है मुझे पता नहीं, शायद मैंने गलती से गलत साड़ी ऑर्डर कर दी। ये भी बहुत सुंदर है यार, आई मीन वाओ, इसमें भी काफी सारे कलर है। आई थिंक ये राजस्थानी सी साड़ी है, ये आलिया वाली साड़ी नहीं है, मैंने गलती से कुछ कोई और साड़ी ऑर्डर कर दी, बट आई रियली लव द कलर, कितनी कलरफुल और प्यारी सी साड़ी है, जॉर्जेट में ये बहुत हल्की साड़ी है, इन साड़ियों से भी बहुत हल्की साड़ी है। तो इसका प्राइस है 550 रुपीज, और ये नहीं है आलिया की साड़ी क्योंकि मैंने चेक किया उसमें उन्होंने कोई ऐसी साड़ी नहीं पहनी है। आई डोंट नो मैंने कैसे इसको ऑर्डर कर दिया। एनीवे ये साड़ी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है, इसमें भी आपको सेम जैसे इन साड़ियों में आपको पल्ला नहीं मिलेगा, इसमें भी कोई पल्ला नहीं है। एक मिनट पहले मुझे लग रहा था ये साड़ी नहीं है ये दुपट्टा है, लाइक कोई साड़ी ऐसे कैसे आ सकती है, लाइक हाथ में आ गई है पूरे मेरे पाम के अंदर आ चुकी है। ये इसकी ब्लाउज का कपड़ा जो कि नीचे गिर गया था, तो ये पिंक कलर में है, आई थिंक इसके साथ पिंक ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसका जो बॉर्डर है उस पर पिंक कलर है, उस पर यहाँ पे आपको लेस मिल जाएगी स्लीव्स के लिए। एनीवे इसके साथ आपको अस्तर चाहिए होगा, बट मैं आपको बोलूंगी कि एक वेलवेट का ब्लाउज बनवा लेना क्योंकि वो इस साड़ी पे और हर साड़ी पे चल जाएगा। यार ये बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, ये सबसे लाइट वेटेड साड़ी है और बहुत कलरफुल है, तो अगर आपको पॉपी सी साड़ी चाहिए तो आपको इस पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हल्की साड़ी है, जैसे मैंने दिखाया था ना एक मुट्ठी में आ जाएगी वैसी, तो इसमें नॉर्मल उतना ही पल्ला है जितना हर साड़ी में होता है, सिर्फ वो जो साड़ियां आलिया ने पहनी है उनमें बहुत लंबे लंबे पल्ले दिए हैं। 5-5 मीटर से ऊपर की साड़ी आई थी, ये 5 मीटर की साड़ी है, पल्ला इसमें ओके ही है, जितना आलिया वाली में उतना नहीं है, बट ये बहुत जल्दी बन गई, बहुत लाइट वेटेड है। अगर आप साड़ी पहनना जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो इससे स्टार्ट कर लेना। एनीवे अगर आप किसी फंक्शन में इसको पहनोगे ये भी बहुत रॉक करने वाली है। आपको कैसी लगे, आपकी कौन सी फेवरेट साड़ी है आप कमेंट करना। या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।